नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। सूबे बिहार में नए गठबंधन के साथ सीएम नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी है तब से विपक्ष के द्वारा सरकार पर और सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा विपक्ष पर तमाम तरह के हमले होते रहे हैं, वाक युद्ध होता रहा है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुजफ्फरपुर के अपने दौरे पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान संवाददाता को संबोधित करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, पहले आप इसे सुन लीजिए। अरे देखिए, ये बात तो सही है कि जनता दल यूनाइटेड को धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल उसे खा रही है और 5-7 मात्र माननीय विधायकों के इधर या उधर जाने से यह सरकार पलट सकती है। तो यह तो आप इंतजार करें कि राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड को कब अपदस्थ करती है, यह तो सबको पता है, आपको भी पता है। जी, संभावना से इनकार नहीं कह सकते। नहीं नहीं, ये संभावना से इनकार की बात नहीं है, यही संभावना है, यही होना है। तो सुना आपने, पूर्व डिप्टी सीएम ने किस तरीके से हमलावर होते हुए नीतीश कुमार को कहा कि तमाम तरह के पीएम बनने को लेकर के प्रचार प्रसार हो रहे हैं, होर्डिंग और पोस्टर बन रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को देखने की जरूरत है कि उनके संगठन में अभी एकजुटता नहीं है, जिसका प्रमाण जो है कार्तिक कुमार का इस्तीफा है, वो प्रमाणित करता है। कार्तिक कुमार का इस्तीफा जो है प्रमाणित करता है कि उनके संगठन में एकता नहीं है। पहले अपने संगठन में एकता बनाएं, तब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखें। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।